السلام عليكم. السلام عليكم. उठ गए क्या? अच्छा आ गए तो आ जाऊँ फिर मैं. ठीक है आ रहा हूँ. सलाम अलैकुम. ठीक है ठीक है ठीक है आ रहा हूँ. अरे आप लोग भी यहाँ पर हैं. तो बात जो चल रही थी बबलू भाई से चल रही थी. बबलू भाई जो कि हाजी आलम साहब के उस्ताद हैं, आज उनकी वीडियो बनाने जाना है. तो चलिए चलते हैं बबलू भाई के पास. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. तो छत पर आ गए हैं, देखते हैं क्या चल रहा है. सलाम अलैकुम बबलू भाई. सलाम अलैकुम. अल्हम्दुलिल्लाह. तो यहाँ देखिए तैयारियाँ चल रही हैं माशाल्लाह. बादाम बादाम छीले जा रहे हैं. ये देखिए कैसी चल रही भाई तैयारियाँ. बहुत बढ़िया. अच्छा तो ये अभी छीले जा रहे हैं, कब खिलाए जाएंगे? खिलाए नहीं जाएंगे, रोटी बनेगी. अच्छा रोटी बनेगी. अच्छा अभी इसमें और भी चीज़ें मिक्स की जाएंगी. हाँ अभी और भी. अच्छा 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 अच्छा. चलिए चलिए बहुत बढ़िया. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम सेंचुरी. मुरादाबाद पिजन फ्लाइंग कप 2021 की सीरीज़ चल रही है. दो मुसाहिमीन से हम मिल चुके हैं. तीसरे मुसाहिम बबलू भाई यानी हाजी आलम साहब की ये छत है, यहाँ से शौक करते हैं. और बबलू भाई जो हैं ये हाजी आलम साहब के उस्ताद हैं. तो चलिए मुलाकात करते हैं और इनसे जानते हैं इनकी टूर्नामेंट की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं. अस्सलाम वालेकुम. और सब खैरियत है? अल्लाह करम है, बस दुआएं हो रही हैं. और बताइए कि सबसे पहले तो आपका अभी तक कोई इंटरव्यू हुआ नहीं है. पिछले साल जब हम आए थे तो आपकी उस टाइम बाजी चल रही थी, तो बस स्कोर पता किया था. तो थोड़ा बताएं आप कब से शौक कर रहे हैं. मुझे शौक़ ये कम से कम 7 साल की उम्र से है. 7 साल की उम्र. हाँ. से अच्छा. इससे पहले जो है दौलत बाग में जामिन भाई करके मशहूर हैं वो पकइए. अच्छा. तो उनके वहाँ लगभग 15 साल शौक करा मैंने उसी छत पे. अच्छा. और माशाल्लाह लगभग 10 साल तो किसी से हारे ही नहीं हम. अच्छा. 2011 में आन के 1995 से लेके 2011 में आखिरी बाजी उड़ी थी हमारी. अच्छा. तो उसमें जो है घट गए थे हम आखिरी बाजी. अच्छा. उस साल के बाद से जो है शौक़ ख़त्म हो गया था वहाँ से. अच्छा अच्छा. फिर जो है मैं अपने शागिर्द हैं तांडे में हैं, इधर शहर में काफ़ी हैं, तो इधर से ही शौक़ कर रहा था. अच्छा. उसके बाद फिर इन्होंने हाजी जी ने छत बना ली, बोले तुम्हें करना शौक ये. अच्छा. वैसे तो माशाल्लाह इनका रिहाइश बहुत अच्छी है, जगह बहुत है इनके पास. जी. ये जो जगह बनी है सिर्फ कबूतरबाजी के लिए ही बनी है. अच्छा. हाँ. तो यहाँ से कब से तब से फिर 3 साल हो, तीसरा साल है ये हमें. तीसरा साल है. अच्छा अच्छा. तीसरे साल में हमने 2019 में उड़ाई पहली बाजी यहाँ से. अच्छा. हाजी इमरान साहब से. अच्छा. हाजी इमरान साहब से की थी. और 2 महीने का तैयारी थी हमारी वो. अच्छा अच्छा. 2 महीने की तैयारी थी. हमने सितंबर में जगह बनी थी. जी जी. और कबूतर छोड़ के माशाल्लाह उनसे उड़ाए थे, बहुत अच्छे कबूतर उड़े थे. अच्छा अच्छा. और सीरीज थी. और
सीरीज जो है फाइट तक गई थी तीसरे दिन तक। अच्छा। और तीसरे में भी बहुत अच्छी फाइट हुई थी। अच्छा। मगर यह है कि वो हम सीरीज हार गए थे। अच्छा, चलिए 2-1 से। अच्छा। फिर उसके बाद में 163 का उतर उड़े, वो माशाल्लाह हम जीत गए थे यहाँ से। अच्छा। और उसके बाद में उसी साल हमारी उनसे भी सीरीज थी और एक मेरठ से थी सिंगल बाजी। अच्छा। तो उनसे तो घट गए थे हम। अच्छा। क्योंकि हमारे कबूतर रात में आ रहे थे काफी 4 बजे करीब, वो लाइट का सिस्टम अच्छा नहीं था। अच्छा। वो 5:30 बजे लाइट भागे, कम से 30-1 कबूतर हमारे। अच्छा। बिल्कुल लटके हुए थे वो, फिर गिर गए दादर। अच्छा, बिल्कुल अंधेरा हो गया छत पे। और एक बाजी हम जीत गए थे उसमें। अच्छा। फिर अगली नेक्स्ट बाजी थी तो उसमें जो है हम उनसे घट गए। अच्छा। और एक और बाजी थी हमारी मेरठ से, वो हम जीत गए थे। अच्छा, हाँ। अच्छा। और फिर पार साल शौक करा हमने, उसमें 225 कबूतर उड़ाए। अच्छा। फहीम भाई बरेली वालों से जी, अच्छा, और चमन बीड़ी वालों से 225 कबूतर उस दिन। अच्छा। हमने माशाल्लाह बहुत अच्छे कबूतर उड़े, 166-167 कबूतर हमारे पर्चे पे आ गए थे 5 घंटे पार होके। अच्छा। मगर बदनसीबी ये हुई कि 5-15 के बाद में कोई कबूतर ही नहीं बैठा हमारा साला। अच्छा। 35 कबूतर जो है रह गए दिखते हुए। अच्छा। वो 5:15-6 बजे का तक का टाइम था लास्ट, ये 45 मिनट का गैप बहुत होता जी, रात का। अच्छा। हर कबूतर 10 घंटे लाता, इस दौरान उन लोगों के कबूतर बैठ गए तो। अच्छा। माशाल्लाह वो जीत गए। अच्छा अच्छा, ये हुआ। तो अभी इस बार जो अब टूर्नामेंट है 25 में 105 कबूतरों का, उसकी तैयारी कैसी चल रही है? फिलहाल तो हमारा जो जोर है ना, अभी 17 तारीख में हमारी बाजी है। अच्छा, 17 में भी आपकी? अभी ये बाबू भाई चंदोसी में है, उन्होंने चैलेंज करा था मुरादाबाद को। अच्छा। 6 घंटे पार की बाजी के लिए। अच्छा। तो वो हमने एक्सेप्ट कर लिया था। अच्छा। उनसे सीरीज है हमारी 6 घंटे पार की सीरीज है। अच्छा। हाँ। तो 17 में जो है 125 कबूतर उड़ेंगे। अच्छा। और फिर 21 में 105 फिर जो 105 उड़ेंगे वो कप वाले दिन उड़ेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ। तो तीन की सीरीज है उनसे, तीन की सीरीज। हाँ। तो तीसरा दिन जो है वो कप का आ जाएगा, फिर वो 25 तारीख, तो उसमें दोनों से ही उड़ेंगे फिर कबूतर। अच्छा अच्छा। कप में भी उड़ेंगे, उनसे बाबू भाई से भी उड़ेंगे। अच्छा अच्छा। तो अभी आपने कबूतरों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दी होगी, तो कैसी चल रही है ट्रेनिंग? माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है, हर साल से थोड़े अच्छे कबूतर चल रहे हैं अब। अच्छा। तो हाँ। अभी तक तो आप, मैंने सुना था आप दोपहर में ही उड़ा रहे थे, सुबह में स्टार्ट कर दिया? हाँ, एक दो दिन से जरा सुबह में उठाना शुरू कर रहे हैं। अच्छा। और आज देखो फिर उड़ाएंगे कबूतर सुबह में। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर हमारे साथ आमिर भाई भी हैं, आमिर भाई की भी हमने वीडियो बनाई है, वो माशाल्लाह गर्मियों में जीते थे, तकरीबन शायद 25 कबूतरों की थी बाजी थी। तो आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम। तो आप थोड़ा बताएं कि पिछले ये जो आपने गर्मी में बाजी की थी, आमने सामने का शौक था वो, तो उसमें कितने घंटे बने थे आपकी गर्मी? उसमें हमारे 61 घंटे थे। अच्छा। तो कितने कबूतर टाइम में लग गए थे उसमें? हमारे लगे थे 10 कबूतर टाइम में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी ठंड में है कोई नहीं? अभी ठंड में कोई नहीं, ठंड में गर्मियों की टीम है ये। हमारा काम ऐसा है कि टाइम ही नहीं होता। अच्छा, अच्छा, कबूतर अच्छा, भी खोलना टाइम नहीं होता ठंड में तो। अच्छा, छोटा दिन होता है ना जी। अच्छा। तो इस वजह से जो है काम का सिस्टम इनका ऐसा है गर्मियों में, गर्मी में ज्यादा अच्छा टाइम मिल जाता है। मुझे टाइम नहीं मिलता गर्मियों में भी भाई साहब, यही देखना है। मैं तो 9:30-9:30 छोड़ के इनके ऊपर चला जाता हूँ, यही देखना है क्या करना है क्या नहीं करना। आपके भी उस्ताद हैं? हाँ, हमारे उस्ताद हैं माशाल्लाह। तो इनके बल पे कबूतर उड़ भी जाते हैं, वरना मेरे अकेले का बस की नहीं है भाई, मैं 25 उड़ा सकूं जी। भाई का थोड़ा तारुफ कराएं। ये भांजे हैं हमारे अहमद भाई। अच्छा। वालेकुम सलाम। तो ये भी शागिर्दी हैं। अच्छा। बैठे हैं ये भी भाई हैं हमारे, मतलब सब मिलके शौक करते हैं जी जी। हाँ, अभी ये नदीम भाई हैं हमारे। अच्छा अच्छा। वो उनके बहनों ही एक्सपायर हो गए हैं, वरना वो भी साथ में होते हैं। अच्छा। वो नहीं आ पाए किसी वजह से। अच्छा। हम ये 5-6 लोग हैं बस, यही रहते हैं नदीम भाई हमारे। अच्छा। वो जैसे अब जैसे ठंड आ रही है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए किस तरीके से लोग अपने कबूतरों की हिफाजत करें, मतलब खाने पिलाने के हिसाब से, ढकने के हिसाब से कैसे रखा जाए कबूतर? ढकने का हिसाब तो यह है कि जैसे जैसे ठंड बढ़ती चली जाए उसके हिसाब से उनको रोटेट करते चले जाएं। अच्छा। ऐसा नहीं कि जैसे अभी मैं एक दो जगह गया तो उन्होंने बिल्कुल हल्की सी ठंड में ही कवर कर रखे थे कबूतर सारे। अच्छा अच्छा। रात के हम आमिर और हम गए 12 बजे मेडिकल बंद करके, उनके कबूतर देखे सब तरफ से कवर्ड कर पड़े, ऊपर से गर्म पानी ये वो सब चीज़ें पिला रहे हैं,
तो इन्हें एडजस्ट तो करने दो अपने आप को मौसम में, मतलब अगर अभी से ही स्टार्ट कर देंगे हम टी शर्ट में बैठे हैं छत में खुले, तो धीरे धीरे इन्हें एहसास होने दो पहले थोड़ा थोड़ा कि हाँ जी ठंड है, फिर ठंड के हिसाब से हल्की हल्की थोड़ी सारी उन्हें गिजाएं दी जाती है। ये नहीं कि तुमने गिजा दी ऊपर से पैक कर दिया, अरे गिजा दी है तो लड़ने तो दो उसे ठंड से। जैसे कि हम गर्मी में बिठालते हैं तो गर्मी में पानी ठंडा पिला के ही तो बिठालते हैं ऊपर कि जाओ अब तुम गर्मी से लड़ो, समझे। वो इम्यूनिटी शरीर में होनी चाहिए, वो अब आपको देखना। बल्ब वगैरह जला देते हैं धावली में अंदर, वो जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी कोहरा वगैरह तो उसमें होता, अच्छा। ज़्यादा हीट नहीं करनी चाहिए, बस ये कि उजाला रहना चाहिए। अच्छा, आगे अब जाड़े आ रहे हैं तो उसके अंदर ज़्यादातर लोग ये करते हैं सब तरफ से पैक करके जी और बंद कर देते हैं, वो नहीं करना। अच्छा अच्छा, उजाला रहना चाहिए और जो है ऑक्सीजन आती जाती रहनी चाहिए, हवा के मोकले खुले रहने जरूर चाहिए थोड़े सारे। अच्छा अच्छा, तो अब जो है बबलू भाई अपने कबूतरों को झंडी दिखाने वाले हैं, कितने कबूतर उड़ाएंगे बबलू भाई? गिन के तो मैं कभी आज तक उड़ाता ही नहीं, बस यह है कि माशाल्लाह मेरी निगाह में रहते हैं। अच्छा, तो मैं पहचान लेता हूँ कितने रह गए आज। अच्छा अच्छा, बाकी अच्छा। ऐसे उड़ा देते हैं, चलिए होंगे कितने, 400-500 कबूतर बैठे, 400-500 की आप झंडी लगाएंगे अभी? अच्छा जी, चलिए तो फिर देखते हैं झंडी कैसे जाते हैं इनके कबूतर, कैसे मतलब तैयारियाँ रहती हैं।